हाय गाइस, वेलकम यू ऑल इन शॉर्ट लर्नर। ये मोहम्मद असीम। आज का मेरा टॉपिक है रजिस्टर आईडीएम का डाउनलोड करना और उसकी इंस्टॉलेशन। अक्सर देखा गया है कि जब हम कोई भी आईडीएम किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे लाइसेंस की या हमसे प्रोडक्ट की जो होती है उसकी रजिस्ट्रेशन की है वो हमसे मांगता है। तो और इसका जो ट्रायल पीरियड होता है वो 30 दिन का होता है। 30 दिन के बाद हमारा जो आईडीएम है वो एक्सपायर हो जाता है और कोई भी वीडियो हम डाउनलोड नहीं कर पाते। जब तक हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू इंस्टॉल नहीं करते तो हमारा जो आईडीएम है वो ठीक वर्क नहीं करता। इस परेशानी से बचने के लिए मैं विद प्रूफ आपको आज बताऊँगा कि आपने रजिस्टर आईडीएम को कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसके इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अनरजिस्टर आईडीएम पर ले जाता हूं जिसका मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूं और बाद में मैं आपको रजिस्टर आईडीएम का इंटरफेस दिखाऊँगा और बताऊँगा कि ये वाला जो आईडीएम है ये रजिस्टर है। इसको रजिस्टर करने के लिए हमें किसी किस्म की कोई क्रैक इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इसको रजिस्टर करें। अक्सर YouTube पर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें बताया गया है कि आप ये वाला क्रैक इस्तेमाल करें, इंस्टॉलेशन के बाद ये वाला क्रैक का इस्तेमाल करें, तो बेफजूल सी वीडियो उन्होंने डाली हुई है। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें और आप इस आईडीएम को इंस्टॉल करके देखें और फिर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आईडीएम पर क्लिक करें, यहाँ पर आप आ जाएँ तो यहाँ हेल्प के साथ एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का। इस पर अगर हम क्लिक करें तो हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑर्डर ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा जिसमें हमें ये पूछता है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सीरियल नंबर। अगर आप हेल्प पर आ जाएँ तो यहाँ अबाउट आईडी पर जाएँ तो यहाँ पर दिया हुआ है दिस प्रोडक्ट इज लाइसेंस टू अनरजिस्टर वर्जन, कि ये वाला जो वर्जन है ये वाला अनरजिस्टर है और हमें परचेज करने का बोल रहा है कि आप इसकी जो कीज है उसको आप परचेज करें। ये वाला जो आईडी है इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉलेशन पर चला जाता हूँ मैं। ओके, इसको मैं, ये डिफ़ॉल्ट है, इसको मैंने फुल जो है ना वो डाउन, इसको अनइंस्टॉल करना है तो फिनिश पर आप कर दें तो ये वाला आप अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इस तरह हमारा ये वाला जो आईडीएम है वो अनइंस्टॉल हो गया। तो अब हमें एक दफ़ा सिस्टम को रीबूट करना है, तो रीबूट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊँगा। सिस्टम को रीबूट करने के बाद अब हमारा प्रोसेस है कि हमने रजिस्टर्ड आईडीएम को कहाँ से डाउनलोड करना है। आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, सर्च बार पर आपने सर्च करना है गेट इनटू पीसी। फर्स्ट लिंक पर आप आ जाएं तो यहाँ सर्च बार पर आपने आना है, यहाँ पर सर्च करें आईडीएम, एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर फ्री डाउनलोड, ये एक मंथ पहले जो इसका वर्जन है वो अपडेट हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड फुल सेटअप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फाइल साइज है वो 14 MB का है और ये जो वर्जन है ये 6.36.7 है, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है और ये अपडेटेड है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, तो आपका जो आईडीएम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही देर में हमारा जो आईडीएम है ये डाउनलोड की जो डाउनलोडिंग है इसकी कंप्लीट हो जाएगी। आईडीएम की डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपने शोन इन फोल्डर करना है। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, इसका आप कोई भी नाम रख दें, मैं यहाँ पर इसका नाम आईडीएम रख रहा हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद उस आईडीएम को यहाँ पर पेस्ट करें और इसको आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देना है, अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं
आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस करें। नेक्स्ट 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 के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अब IDM इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। हमारा जो IDM है वो अब फुल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपने IDM पर अगेन आ जाना है यहाँ पर, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्प के साथ पहले रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारा ये जो IDM है ये रजिस्टर भी है या नहीं, तो हेल्प पर आ जाएं। हेल्प पर आने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है अबाउट IDM पर क्लिक करें। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज लाइसेंस टू योर सीरियल नंबर इज स्टार्ट विद, कि आपका जो IDM है वो रजिस्टर है। यहां पर पहले लिखा हुआ था कि योर IDM वर्जन इज अनरजिस्टर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो IDM है वो रजिस्टर है। हमें किसी किस्म के कोई क्रैक को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको रजिस्टर करेंगे फॉर लाइफ। आपके पास रजिस्टर है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे एक साल चलता है तो ये IDM आपका एक साल वर्क करता रहेगा। आपको इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसी अपडेटेस और न्यू वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।